वंदे से ही गुरु चरण सर्व शास्त्रे गाय श्री हरि स्वरूप भक्त गण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप वंदे से ही गुरु चरण कमल नहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जार प्रसादे अन्य गोती नी संध्या कीर्तिर स्तव ध्याने भाई वंदे से गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्रह्मे मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काले वंदे से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा कृष्ण हित चतुर्मुखा हय कृष्ण सेवान्मुखा ब्रह्मा हित नारदे रमती नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परम शिष्य बलि अंगीकार करी अक्षोभेर शिष्य जय शारदा से ज्ञान सिंधु तारी ताहा है ते दया निदे तारदास विद्या निदे राजेंद्र ते तार किंकर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जान बाल मते जय धर्म दासे ख्याति पुरुषतम जति ताहिते ब्राह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास तहाँ हैते माधवेंद्रपुरी वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वरपुरी के धन्य करिले न शिष्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नये अन्य रूपानुग जने रजीवन विश्वंबर प्रियंबर श्री स्वरूप दामोदर न रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा जार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त साध बल देव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद
माँ भागवत वर शिगोर किशोर वर हरि भजने ते जार मोदा शिवार शोभा नवी वर सदस्य शारदयित दास नाम प्रभु पद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौड़ी वेदांत वेद मायावाद तमो अंत गौरवाणी प्रचार चरधाम केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन गौरवाणी चंद प्राण दान ऐ सब हरि जन गौरंगेर निज चंदेर उच्चिष्ट मोर का गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन वासी वैष्णवेर गाना ए राधारमण प्रभु राधारमण प्रभु उसको निकाल दो वहां से सब क्या हो जाएगी नीलांजल वासी जत मा प्रभु प्रभु नित्यानंद
Yeah.
Thank you.
हरि प्रेम मातम धृत परम सत्वम स्थितमुख सदा पूर्ण नेत्रम करकलित नेत्रम कलिमिदम भजे नित्यानंदम भजन तरुणंदम निरवधि रसानाम रसारम स्वजन गण सर्वस्वमतुलम तदीयक प्राणा प्रतिम वसुधा जान पापति सदाए मानादम परम विदितम वंदम भजे नित्यानंदम भजन तरुणंदम निरवधि सचि सोनु प्रेष्टम निखिल कलौ मद्र जीवो धारण करुणाम करुणा हरे राजनाथ भव जल गर्वोन्नति भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि आये प्रार्थना करि कलुषा किं नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनाया सतहि मे व्रजन्ति त्वामित्थं सह भगवता मंत्र यतियो भजे नित्यानंदं भजन तरु कंदं निरवधि यथेष्टं रे भातः गुरु हरि हरि ध्यान मनीषं ततो वह संसारां बुधि तरण दायो इदं बाहु स्फोटये रटयति रटयन् यः प्रतिग्रहं भजे नित्यानंदं भजन तरु कंदं निरवधि बलात् संसारां निहरन् सदा श्रेय सिंधु नदी कुमुद बंधु समुदित कला श्रेणी सूर्य तिमिर हर सूर्य प्रभव भजे नित्यानंदं भजन तरु कंदं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्तं पश्यन्तं समभिनयन्तं जननं प्रकुर्वन्तं सन्तं सगुणदृवन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानंदं भजन तरु कंदं निरवधि सुब्रीवाण भ्रातुः करसरसिजं कोमलतरं मिथो वक्त्रालोको चरित परमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरहन्तं पुरजनं भजे नित्यानंदं भजन तरु कंदं निरवधि रसानामाधारं रसिकवर सद्वैष्णवधनं रसागारं सारं पतिततरं स्मरत परं नित्यानंदाष्टकं यदूर्वं पठति यः सतेन्द्रियदवाभाजं स्फुरतु नितरां तस्य हृदय जय नित्यानंदं जय नित्यानंदं भरा तुरंत काश्यपाति ने विपाति हारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पाप सिंधु तारिणी माधुरी विरत्न शेष चित्त वंदने मां पुनः सर्वदा अरविंद बंधु नंदने हरि 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 नंद नंदनांतरंग
भक्ति पूर्व वर्धनी तीर संगमाभिलाषि मंगलानुबंधनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी दीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु वेदिनी श्री मुकुंद निर्मितोरु दिव्य केलि वेदिनी कांति कंदली बिरंद नील बिंद नंदिनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी माधुरे चारुणाभिमंडिता प्रेमनाथ वैष्णवाद वर्धनाय पंडिता उर्मिदोर्विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी रम्य तीर रम्यमान गोकलांब भूषिता दिव्य गंध भक्त दंब संग संगमाभिनंदिनी मां पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी दुर्लभाक्ष मालिकाक्ष हंस लक्ष पूजिता भक्ति विश्व देव सिद्ध किन्नराली पूजिता तीर गंध वाह गंध जन्म बंध रंजनी मां पुनातु Thank you.
हरी हरी ओम ज्ञानति विराम जस्य ज्ञानं जनसलाकया सत्सो येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द प्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण बोले से गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हाँ हाँ किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है उनका प्रश्न है हमारे जो नित्य कल्याण लाभ का उपाय किया है नित्य कल्याण मतलब है जैसे जगत में एक तरह का हमारा भलाई होता है जैसे साधारण कोई लाभ हो गया लेकिन आप कभी कभी देखना जैसे बेटा हो गया लेकिन बाद में बात नहीं सुनता है पैसा नहीं पैसा हो गया पैसा को लेकर भाई भाई में लड़ाई अड़ोसी पड़ोस में लड़ाई शुरू हो गया इसलिए शादी नहीं हुई बाद में फिर लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स का कारण आ गया इसलिए कहती जगत में जो वस्तु कुछ समय के लिए अच्छा होता है लेकिन बाद में देखो फिर वही जो आनंद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है लेकिन इनका प्रश्न है हमारा नित्य कल्याण कैसे हो नित्य कल्याण जो एक बार कल्याण हो जाए कभी उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता है जिसमें अमंगल कभी हो ही नहीं सकता जो हर समय मंगल मंगल ही जिसमें होगा इसलिए प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है तब प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं बल भगवत भक्तेर शुभाकांक्षा यही जे जीवन केवल मंगलमय मध्य नाथ अमंगल मध्य नाथ ठाकुर ताहरा नित्य कल्याण लाभ करू कद जो भगवान का भक्त है हैं कहते साधु से ना है कारज हानि ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधु से ना है कारज हानि मतलब साधु से कभी कार्य हमारे कभी हानि नहीं होता है इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वास्तव रूप में ये हमारी शुभ चिंतक साधु लोग है ये संसार में हमारे कोई शुभ चिंतक नहीं हम जिसको सोच रहे हैं नहीं ये हमें बड़े प्यार करता है ये हमें बड़े प्रेम करता है हैं लेकिन उसके अंदर में कुछ स्वार्थ रहा होगा जगत में बगैर स्वार्थ के ना कोई प्रेम नहीं करते हैं इसलिए देवता लोग भी जो प्रेम करते वो भी स्वार्थ है वो भी स्वार्थी है कहते लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं ना केवल वही लोग निस्वार्थी होते हैं वो वास्तव रूप में हमारी कल्याण वास्तव रूप में वो हमारी कल्याण करना चाहते हैं इसलिए इनकी जो भावना है भक्तों का कहते कभी ये जीव कभी अमंगलों के अंदर में नहीं रहे हर समय मंगल इनको हो कैसे मंगल बोले नित्य कल्याण इनको हो मतलब ऐसे आनंद ऐसे शांति मिले जो हर समय के लिए जो आनंद हर समय के लिए जो आनंद रहे इसलिए सही नित्य कल्याण लाभेर उपाय कृष्ण पृष्ठ श्री गुरुदेव पाद पद्मा आश्रय कहते ऐसे नित्य कल्याण कैसे होगा हैं कहते नित्य कल्याण होगा जो भगवान का अत्यंत जो प्यारे जो गुरुदेव है हैं गुरुदेव है उनका चरण को आश्रय ग्रहण करने पर ही कल्याण होगा इसलिए उनके चरण में जो सद्गुरु इसलिए शंकर जी कहते पार्वती दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संता भार का जगत में जो सद्गुरु ये बड़ा दुर्लभ है ये क्या करते हैं जीव का सारे दुख कष्ट को ये हरण करने वाले ये होते हैं ये हमारे वास्तव कल्याण करते हैं जहार पाद पद्म आश्रय कर ले नंद नंदन कृष्ण रे सेवा लाभ है कहते जब हम सचमुच से सद्गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं कहते गुरु का काम क्या है गुरु क्या करते हैं कहते गुकार अंधकार त्वात रुकार तस्य निरोधक गु मतलब होता है अंधकार रू मतलब होता है आलक जो हमारे
अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके हमें जो दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसलिए हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चक्षुदान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु से। कहते गुरुदेव हमें क्या प्रदान करते, बोले हमें आँख देते, चक्षु प्रदान करते। बोले पहले से तो हमारा आँखें हैं, गुरुदेव हमें कौन सा नया आँख दे दिया, हमारा तो आँख पहले से ही है। बोले नहीं, हमारी जो आँखें हैं ना वो जड़ बुद्धि युक्त आँखें हैं, हैं विषय भोग करने वाले आँखें हैं, और ये शरीर का संबंध युक्त वाला आँखें हैं। लेकिन गुरुदेव हमें जो आँखें देते हैं वो जो भगवान को साथ में जो जोड़ देते हैं, असली आँख देते हैं, हैं हमें असली आँख देते हैं। ये मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए, फिर हमें जाना कहाँ है, फिर जिसको हम अपना मान कर बैठे सब है कौन, ये सब कौन है। अगर ये अपना होता तो हम फिर दो दिन बाद में इनको फिर हमें क्यों छोड़ना पड़ जाता है दो दिन बाद में, हैं। इसलिए जब गुरुपाद पद्म हमें असली ज्ञान देते हैं, तुम्हारी जो असली जो संबंध है केवल भगवान से ही हमारी असली संबंध, और जगत का जो संबंध है सब नकली संबंध है। इसलिए बोले स्वजनाक्ष दस्यु, कभी जो स्वजन है वो स्वजन नहीं, हम जिसको मानते हैं कभी डाकू है सबके सब। डाकू क्या करता है, सब हार लेता है, हाँ ये सब हार लेते हैं, दिन दहाड़ में चोरी करते हैं आँखों को सामने, हाँ जो डाकू होता है ना, जो चोर होता है रात में तो चोरी कर लेता है, लेकिन जो डाकू होता है ना दिन दहाड़ चोरी कर लेता है। इसका मतलब है, कहते हैं हमारी प्रेम हमें किसको करनी चाहिए, केवल प्रेम भगवान को करनी चाहिए, गुरु वैष्णव को करनी चाहिए, हैं इसलिए। लेकिन हम भगवान की जहाँ पर असली प्रेम करनी चाहिए हम वह असली प्रेम नहीं करके हम नकली वस्तु में प्रेम कर रहे हैं। जो हमारी प्रेम करनी चाहिए भगवान को, उनको प्रेम कर तो वो कभी धोखे हमें नहीं देते हैं, ये कभी धोखे नहीं देते हैं। लेकिन जगत में सब धोखे देने वाले हैं, हम जिस बेटे को अपना अपना मान करके बड़ा करते हैं, उसको लालन पालन करते, शादी के बाद में पूरा बुद्धि अलग हो जाता है, हैं उसका बुद्धि अलग हो जाता है, वो पिता माता की बात फिर नहीं सुनता है, पिता माता की बात नहीं सुनेगा और किसका बात फिर सुनना शुरू कर देते हैं। फिर हमें एनर्जी जहाँ पर दे, हमारे एनर्जी नष्ट हो गया कि नहीं, बेकार हो गया कि नहीं, एनर्जी हैं बेकार हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब हम भगवान को चरण में आश्रय करते हैं, फिर क्या होगा, गुरुपाद पद्म आश्रय करते हुए फिर हमें कृष्ण सेवा, भगवान की भक्ति हमें मिलता है। इसलिए कहते श्री रूपाभिरन्न से ही गुरुदेव सेवा दृढ़ विश्वास और प्रीति सहित करित है वे। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है, कहते श्री गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी के अभिन्न हैं, रूप गोस्वामी के अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म क्या करनी चाहिए, बोले गुरु जी की सेवा दृढ़ पूर्वक गुरु जी की हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, किसको कहते हैं, कृष्ण कहते श्री सुदामा जी को। सुदामा जी का नाम सुने हो, हाँ सुदा नाम सुने ना सुदामा जी को। इसलिए जब सुदामा जी कृष्ण को पास में गए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर के, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए हैं जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ लिए, बोले और नहीं, दो मुट्ठी से उसको घर में सब कुछ पहुँच गया। फिर जिस पलंग को ऊपर में भगवान स्वयं लक्ष्मी को साथ में विश्राम करते हैं, उसी पलंग को ऊपर में भगवान अपना दोस्त सुदामा जी को बैठाए, सुदामा जी को बैठा करके जब गुरुकुल में पढ़ते समय उसको याद दिला रहे हैं। बोले याद है, बोले किस बात की, कहते एक समय हमारी गुरु माता हम दोनों को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेज दिया, हम लोग लकड़ी की गठली बांध करके सर पर रखे, इतने में घना घोर बारिश, इतने तेजी बारिश आई, चारों तरफ पानी पानी हो गया, हमें दिख नहीं रहा था कितना गड्ढा कितना ऊंचा दिख नहीं रहा था, लेकिन लकड़ी का बोझा उन्होंने नीचे नहीं फेंक दिया। बोले क्यों, बोले रसोई कैसे बनेगा, ठाकुर का सेवा कैसे होगा, गुरु जी की सेवा कैसे होगा। बोले जिस भगवान की एक इशारा मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, लेकिन स्वयं ठाकुर जी गुरु सेवा हमें कैसे करनी चाहिए उसको शिक्षा देने के लिए गठली को लेकर खड़े हुए, चारों तरफ पानी पानी हैं। इतने में शाम जब हो गया आए नहीं, सुदामा कृष्ण गुरु जी ढूंढने के लिए आए, कहाँ गए, बोले सुदामा
कृष्णा तुम कहाँ हो? बोले गुरुजी हम यहाँ पर है। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? देखा गले तक पानी में खड़े ठाकुर जी, शरीर ठंडी कमर कांप रहा है, लेकिन गठली लकड़ी का गठली नीचे नहीं फेंका, सर के ऊपर ठाकुर जी, सर के ऊपर गठली लेकर ठाकुर जी खड़े हुए हैं। इतने में जब गुरुदेव ने देख लिया, इनकी सेवा चेष्टा देख लिया, बस भगवान गुरु जी उनको सर पर हाथ रख दिए। बोले बेटे जाओ, तुम्हारा हृदय में सारे वेद पुराण उपनिषद सब स्फूर्ति हो जाएगा, सारे सिद्धांत अपने आप स्फूर्ति हो जाएगा हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो और सारा दुनिया में तुम्हारी नाम जय जयकार होगा, गुरु सेवा रूप में तुम्हारी सारा दुनिया में जय जयकार होगा। इन्होंने कैसे गुरु सेवा की? देखो भागवत में लिखा हुआ है, जब हम भागवत सुनते हैं सुदामा कृष्ण की कथा आती है, सुदामा कृष्ण की कथा आती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुदामा, ना अहम इज्जा प्रजातिभ्य तपस उपशमन्वा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषय यथा। इसका मतलब है गुरु जी की सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, न इज्जा पूजा के द्वारा इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ हैं, न प्रजातिभ तपस तपस्या के द्वारा नहीं होता हूँ, बार व्रते से नहीं होता हूँ जितना संतुष्ट श्री गुरु सेवा से मैं संतुष्ट होता हूँ हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते रूपा अभिर्न सही गुरुपाद पद्म सेवा दृढ़ विश्वास और प्रीति सहित करित है वे। इसलिए गुरु जी की सेवा जब हम प्रीति को साथ में करते हैं क्या होता है, एवं ताहर मुखे हरि भजन रे कथा श्रवण करते है वे, उनके मुखारविंद से हम कैसे भगवान की भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसकी कथा को हमें सुनना पड़ेगा। बोले श्री गुरुदेवेर पदधुलि संबल हैले भुवन मोहन कृष्णेर माधुर्य सेवा लाभ करते पारा जाइवे। कहते यहाँ पर कहते जब हम श्री गुरुपाद पद्म का पदधुलि संबल हैले, जिसका जीवन ही गुरु जी की चरण की, गुरु जी की चरण की धूल ही जिल का संबल है। बोले चरण धूलि मतलब क्या? बोले उनका जो भावना है, गुरुदेव जो चीज़ को चाहते हैं। कहते संबल हैले भुवन मोहन कृष्ण रे माधुर्य सेवा लाभ करते परा जाए। जो भुवन मोहन हैं, जो विश्व ब्रह्मांड को जो मोहित करने वाले जो भगवान हैं, तब भी उनकी सेवा हमें प्राप्त होता है जब गुरु जी की कृपा होएगा। इसलिए ऐ जने गुरुदेव रे पाद पद्म नित्य भजनीय। इसलिए हम लोग सवेरे सवेरे गाते हैं ना, संसार दावा नळली ढलोक त्राणाय कारुण्य घन घन, सवेरे रोज सवेरे होते ही क्या करते हैं, पहले गुरु जी का वंदना करते हैं। जब हम कोई भी कथा करते हैं सबसे पहले ओम अज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुव नमः। जब हम पहले वंदना करते हैं, वंदना से पहले हम गुरु जी के चरण में हम प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हुए फिर भगवान के चरण में, वैष्णव के चरण में, बाद में जाकर के भगवान के चरण को हम वंदना करते हैं। इसलिए कहते अप्राकृत श्री गुरुपाद पद्म यही जगत वस्तु नयन, अनित्य वस्तु नयन, रक्त मांसर पिंड मात्र नयन। इसलिए कह रहे जो गुरुपाद पद्म है, कहते इसी जगत का वस्तु नहीं, लेकिन हमें क्या दिखता है, हम भी जैसे खाते हैं गुरुदेव भी खाते हैं, हम भी सोते हैं गुरुदेव भी सोते हैं। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य रे दास, क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण सब तार दास, कृष्ण ही अकेले भगवान, सब उनका दास ही, केवल कृष्ण ही जगत का मालिक, सब उनका दास। इसी स्वरूप में कहते हमारे गुरुदेव भी उनका दास है, कृष्ण मालिक सब उसका दास, गुरुदेव भी दास है। लेकिन कहते हैं कि शिष्य गुरुदेव को किस रूप में देखेगा? कहते तथा भी जानिया आमी तहार प्रकाश, कहते तभी शिष्य का कल्याण होगा जब ये सोचेगा गुरुदेव कौन है, भगवान की ये अभिन्न प्रकाश है श्री गुरुदेव, तभी जीव का कल्याण होगा। इसलिए बोले साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र गुरुदेव को हरि रूप में वंदना करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं साधारण रूप में क्या लगता है, बोले हमारे जैसे हड्डी मांस जैसे हमारा शरीर, कहते गुरुदेव का भी तो वैसे शरीर है, गुरुदेव क्या ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा जानते थोड़ी गुरुदेव,
कभी कभी इस भावना आती है ना, इसलिए यहाँ पर कहते नहीं, ऐसे भावना करने से जीव का कल्याण नहीं होता है। तथा भी जानिया में तहार प्रकाश, तभी उनका कल्याण हो सकता है जब वो समझे गुरुदेव भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, तभी जीव का कल्याण होगा हैं, नहीं तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए तिनी भगवान रे न्याय सच्चिदानंद विग्रह, कहते भगवान का जैसे सचिद आनंदमय विग्रह है, गुरुदेव का भी वैसे विग्रह है। इसलिए कभी कभी गुरु जी का सेवा करके कोई तर भी जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुरु जी का अगर भगवत बुद्धि से सेवा करे तो तर जाएगा, अगर साधारण कभी अगर बुद्धि हो जाता है ना, फिर तो गड़बड़ी होता है हैं। इसलिए कभी कभी गुरु जी के वाक्य को अवमानना कर देते हैं, गुरु जी के वाक्य को हैं, कभी कभी कहते गुरु जी के पास में तो हम रहे हैं तो गुरुदेव हमसे क्या ज़्यादा करते हैं, गुरुदेव तो हमारे जैसे है। कभी कभी उनको मरते बुद्धि हो जाता है हैं, मरते बुद्धि हो जाता है। इसलिए जो ठाकुर का सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं हैं, कहते इनका बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। ठाकुर की सेवा करना मतलब क्या, साक्षात भगवान की सेवा है। अगर उनको भगवत बुद्धि से सेवा करे, इससे बड़ा जगत में कुछ चीज़ है ही नहीं, जल्द से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है इन लोगों का। लेकिन अगर ठाकुर को पूजा करे, अरे ठाकुर तो ये तो अष्टधातु में बने हुए हैं ठाकुर जी, ये थोड़ी कुछ कर रहे हैं, वो वैसे खड़े हैं, बस अपराध हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी को साक्षात भगवत बुद्धि से सेवा करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये दोनों का बहुत जल्दी कल्याण भी होता है, बड़े जल्दी अमंगल भी होता है हैं। कभी कभी गुरुदेव के साथ में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं हैं, लड़ाई झगड़ा कभी कभी गुरुदेव कहते थे कभी कभी। इसलिए हम कुछ लोगों को देखा जो गुरु जी को सेवा करते हुए बड़े गिरे भी है, कारण क्या है, गुरु जी को साधारण बुद्धि सोच लिया हैं, गुरु जी के साथ में बात में लड़ाई कर दिया, गुरु जी के साथ में गुरु जी का बात को अपमान ना किया, गुरु जी को उनको बात को काट डाले, फिर उनको अकल्याण हो जाए, अमंगल हो जाता है हैं। इसलिए भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे जब मैं किसी अपना सेवक को बोलता हूँ हैं, सहज में शायद मैं कुछ बोलता नहीं, तो विशेष ज़रूरत होता है तभी मैं बोलता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं गुरुदेव हूँ, अगर मैं कोई बात बोला अगर अवमान करा तो उसको पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए जब मैं बोलता हूँ सावधान सहकार में, उनको कोई बात मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि मैं गुरुदेव हूँ, ये बोलते थे मैं गुरुदेव हूँ, इसलिए सोच विचार करके मैं बोलता हूँ उनको। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते गुरुपाद पद्म नर ब्रह्म नर नहेन, बोले जो गुरुदेव है नर ब्रह्म रूप में, ये नर नहीं। इसलिए भगवत वस्तु के अर्थात गुरु ओ गौरांग के जहरा जगत रे अन्यतम वस्तु बोले मन करे, तहरा निजेर स्वार्थ सिद्ध जन्य सेवार अभिनय मात्र करे। कहते जो भगवान को और गुरु जी को एवं महाप्रभु को अगर कोई साधारण रूप में सोच लेते, अरे ये तो साधारण है, गुरु जी भगवान महाप्रभु ये साधारण हैं, अगर ऐसा अगर कोई सोचते हैं, फिर क्या उनका जो भक्ति है ना, कहते एक ढोंग जैसे भक्ति हो जाता है, इनका भक्ति सही भक्ति इनका नहीं होता है हैं। इसलिए उनको भक्ति शुद्ध भक्ति उनकी नहीं, ताहा शुद्ध सेवा न है, ताके बनिया वृत्ति बा पद्मानीति बोला जाए। कहते जो गुरु कृष्ण महाप्रभु को साधारण बुद्धि जो हो जाता है, उनका जो भक्ति कैसे ना बनिया वृत्ति, बनिया वृत्ति जानते हो, जैसे किसी बनिया पास में जाते हैं, कोई कुछ 100 रुपया दिया 200 रुपया दिया, उसी पैसा का सामान लेकर के आ गए हैं, हाँ एक हाथ में दो एक हाथ में लो हैं। इसलिए उनका बनिया वृत्ति हो जाता है। इसलिए कहते भगवान की शरण में आकर के, गुरु वैष्णव का शरण में आकर के हमें निष्कपट रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम भगवान की सेवा बा गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, कुछ माल मिल जाएगा हमें हैं। इसलिए गुरु जी के पास में इतने संपत्ति, अगर गुरु जी की सेवा करेंगे तो इनके बाद में तो ये सब कुछ मेरे को मिलेगा ना, नहीं ये बुद्धि से नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव को किसी भक्त ने पूछा, हम भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी, बोले गुरुदेव आपके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? इसलिए गुरुदेव ने कहा जो असली जो मैं धन दे रहा हूँ वो धन को लो, असली जो धन दे रहा हूँ ये धन को लेने के लिए कोशिश करो, नकली धन में नज़र मत रखा करो, ये नकली धन 2 दिन बाद में नष्ट हो जाएगा,
अगर तुम हो नहार बनोगे, कितना धन तुम्हारे पीछे में भागते रहेगा, कितने धन तुम्हारे पीछे भागते रहेगा। इसलिए गुरुदेव का अनित्य वस्तु के प्रति नज़र नहीं दे करके नज़र रखो, वो जो हमें भगवत प्रेम दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति धन को लेने के लिए कोशिश करो। वो धन में अगर धनी हो गया तो सबसे जगत में सबसे बड़े धनी बन जाओगे। इसलिए उसी धन में धनी बनने के लिए कोशिश करो। सारा दुनिया तुम्हारे पीछे, सारा दुनिया पीछे तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए गुरुदेव बोल दिए, ये मठ मंदिर भाई, ये गुरु जी के पास में इसका मालिक हम बन जाएंगे, इसका हम हैं बाद में कहते, ये चीज़ में मत, गुरुदेव बोल दिया, नज़र मत दिया करो। इसलिए ऐसे नहीं गुरुदेव को सेवा, इसलिए गुरुदेव के जेब में नज़र है। गुरुदेव कहते उनका कल्याण होने वाले नहीं, इनका मंगल नहीं होने वाले हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, निजर स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इस सब के सब देखने के लिए लगता है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनका भक्ति भक्ति नहीं, इनका भक्ति ढोंग भक्ति हो जाती है। इसलिए जीव जेकाल पर्यंत भजन या वस्तु श्री गुरुपाद पद में पूर्ण अनुगत ना करे, से काल पर्यंत भगवान ताहर दर्शनीय ना है। बोले जीव जब तक भजन या वस्तु है, जो भजन का जो वस्तु गुरुपाद पद में पूर्ण अनुगत नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, जो भगवान का जो दर्शनीय जो भगवान है, वो भगवत दर्शन उसको नहीं मिलता, भगवान दर्शन उसको नहीं मिलेंगे। दर्शन जहाँ श्री गुरुपाद पद में अप्राकृतत्व ईश्वरत्व वो कृष्ण पृष्ठत्व अवगत नहीं, तहरा चीद राज्य अर्थात कृष्ण सेवा राज्य प्रवेशेर संपूर्ण अयोग्य। कहते जो लोग गुरुपाद पद्म में अपराकृत बुद्धि नहीं हो, उनका गुरुपाद पद्म जड़ बुद्धि इनका है, अपराकृत बुद्धि नहीं, उनके प्रति ईश्वरत्व बुद्धि नहीं, उनके प्रति ये कृष्ण के अत्यंत प्रिय बुद्धि इनका नहीं है, कहते उनका चीद राज्य में भगवत सेवा राज्य में इसे संपूर्ण रूप में प्रवेश में अयोग्य है। कहते भगवत भक्ति जगत में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हैं अयोग्य ने तारा चिद। बोले गुरुदेवेर कृपा होइले अमरा अप्राकृत वस्तुर निकट जाइते पारिब। जब श्री गुरुपाद पद्म के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास होएगा, तभी क्या होगा, तभी भगवत राज्य में भक्ति राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। बोले श्री चैतन्य देवर श्री पाद पद्म आश्रय करिया चेतनमय सेवा शोभामय दिव्य चक्षु द्वारा तहारा दर्शन लाभ करते पारिब। स्वयं रूप कृष्णेर श्री पाद पद्म निकटे पहुँचाई बार सौभाग्य पाया धन्य और कृतार्थ है। यहाँ कह रहे बोले चैतन्य देवर पाद पद्म आश्रय करिया, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण राधारानी चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए कद जो सेवा सौभाग्य शोभामय दिव्य चक्षु, जब उनको अपराकृत बुद्धि में सेवा करेंगे, हमें भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। हैं अभी हमारे चक्षु जड़ चक्षु है, हैं सब जड़ चीज़ देखते हैं, जब भगवान गुरु जी की कृपा होगा तब हमें दिव्य चक्षु की प्राप्त होगा, होने पर उसका कह उसको द्वारा ही हैं भगवान कृष्ण का जो चरण है, भगवान की जो भक्ति, तभी उसको प्राप्त करके ये जीवन को हम धन्य कर पाएंगे। इसलिए प्राकृत रूपे आबद थाकिले श्री रूपाभिर्न गुरुपाद पद्म दर्शन लाभ हेते पारे ना। अगर हम प्राकृत मतलब जड़ रूप में अगर हम आबद होकर के रह जाएंगे, तो फिर तो गुरु जी की ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए भजन या वस्तु गुरु कृष्णर भजन निष्कपटे करिले मंगल हैवे तखन आर भोग पर दर्शन थाकिब ना। यहाँ कह रहे हैं भजन या वस्तु श्री गुरु कृष्णर भजन निष्कपट करिले, कहते ठाकुर का भक्ति गुरु जी का भक्ति हमें निष्कपट रूप में करना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक रूप ऊपर दिखा रहे हैं और एक रूप हम अंदर अंदर में सोच रहे हैं। बोले नहीं, कहते इनका कल्याण होना कठिन है, ये बंसुरी क्यों बजती है, बंसुरी में दो गुण हैं, पहला गुण है उसका अंदर में पोला खाली है, दूसरा गुण क्या है, कृष्ण जैसे चाहते हैं जैसे स्वर भरते ना बंसुरी वैसे ही बजती है,
इसलिए इसलिए कृष्ण बंसुरी को, इसलिए राधा रानी कहती है ना अगली जीवन में और मैं बंसुरी बन करके नहीं, अगली जन्म में राधा बन करके नहीं, मैं बंसुरी बन करके आऊँगी। बोले बंसुरी ने इसे क्या सौभाग्य किया, कृष्ण कभी इसको छोड़ते नहीं, कभी अधर पर, कभी कमर पर, कभी हाथे के ऊपर में, कृष्ण कभी बंसुरी को छोड़ते ही नहीं कभी कृष्ण। इसलिए राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में मैं बंसुरी बन करके आऊँगी, फिर तो कृष्ण हमें हर समय अपना पास में रखेंगे। इसलिए यहाँ सिखा देते हैं अगर हम बंसी बन जाए ना, फिर भगवान हमें अपना पास में रखेंगे, हर समय कभी छोड़ेंगे नहीं। मतलब हृदय हमारी शुद्ध होनी चाहिए, हृदय में कपटता नहीं होनी चाहिए, ऊपर एक दिखावा एक और अंदर में करते हैं एक, कहते ऐसे व्यक्तियों का। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीवन में रहना सही है, लेकिन कपटता नहीं करनी चाहिए, कपट व्यक्तियों का कभी कल्याण होता ही नहीं। इसलिए हृदय को हमें निष्कपट रखनी चाहिए। इसलिए कहते निष्कपट कर ले मंगल है वे, तखन आर भोग दर्शन थाकिबे ना। इसलिए बोले आद दानम स्त्रीणम दंतई रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीपद रूप पदाम भज धूलिश्याम जन्म जन्मनी। इसलिए यहाँ पर श्री नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं आद दानम स्त्रीणम जाचे, इसलिए मैं अपना दांत को नीचे त्रिनिका को दबाते हुए पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। किसको चरण में, बोले श्री रूप गोस्वामी के चरण में। कब मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, जब श्री रूप गोस्वामी का चरण की एक धूल, हम उनके चरण की एक हम धूल बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी। बोलो ठीक है, कथा को यहीं विश्राम।